Onetto! Onetti! Onetchan! Onetchan ke photo elan kar chuke hain ki hum nahi sudharenge. Abe jab ye nahi sudhre to main yani ki jab Jafrit se sudhru. So bhaiya hamesha ki tarah main aaj bhi baithe baithe dunga running commentary aur ye dikhayenge khade khade running dysentery. भैया ये आज मशरूम ट्रिप पर टपकेंगे, ब्रिज बॉल में रास्ता भटकेंगे, हनी को मेज से इनको भराएंगे, हाई रोलर्स फटक कर जगाएंगे, विश्व की प्रथम पागल पाठशाला तकेशी कॉस्म. अपनी भेजों को दांड करके आए हो क्योंकि आज तुम्हें होगा मशरूम ट्रिप पर फिसल जाना, स्किपिंग स्टोन से मुंह टकराना, ब्रिज बॉल में बॉल गिराना, मगर शोडाउन में घुस जाना. चलो चमुनो. तो या ये 100 नर और नार बनने के लिए अचार जा रहे हैं हनी को मेज में. डैड जनरल ने बुलाया और मोटू मामा दौड़ाया. रो मत मामा, नहीं उतरेगा इज्जत का पैजामा. मामा अंदर आया और रंगीले को देख कतराया, राइट टर्न मारा मगर अगला लेफ्ट मिस किया और गोबरी तालाब को किस किया. कमर दो मिस्टर ब्लू वे अपना वे ढूंढे यानी को मेज में अंदर आए बिना सोचे आगे बढ़े और क्या कर लिया सुसाइड. चड्डी चमुनी ठुमक ठुमक के अंदर आए. क्या हाई पिच की चीख है, चिमगादड़े भाग जाएंगे चीख सुन के. और ये देखिए कितने खुश हो रहे अभी यार. ले चेहरे का तो एकदम गोबर होता लीप लीप करके ये स्पेशल मंगाते हैं चंद्र विभूषण पांडे जी के यहाँ से, जो चेहरे पे लपेटने का होता है फ्रेश गोबर आता है. मिस्टर भागचंद भगोड़िया भागते हुए अंदर आए, सामना हो गया रंगीले से मगर भागते हुए निकल गए. सही चेंबर में आए लेकिन गलत दरवाजा खोल लिया और भागचंद भगोड़िया गेम से भी भाग गए. बेटा डाइव लगाने आए थे या मेज को बाहर चला. ओहो मिस्टर चंपक भूमिया तोता लाल है. ये चीखे सुनी भाग कर पलटे सामने यमदूत, दूसरी जगह भागे वहां भी यमदूत, पलट पलट के फिसल फिसल के हबड़ दबड़, समझ में नहीं आ रहा कुछ. सिट्टी गुल हो गई इनकी और पकड़ में आई टी शर्ट लेकिन बाहर निकले तो. अरे क्या बात है जियो मेरे लाल पीले. अरे ओह ये क्या ब्रूसली के पसीने की बदबू. दौड़ा और रामू शोमू को मौका ही नहीं दिया हाथ लगाने का, खुद ही अपना डिसीजन ले लिया और अंतिम संस्कार का ये हो गया. बिल्कुल निकल गई ब्रूसलियत. ऑल स्टार नंबर 5 आ गए हैं, इनका किस्मत का स्टार चमकेगा का. डाज किया गंजे को का, चोर पुलिस खेला तो का, मुड़कर भागे दीवार को छूकर पलट गए, कबड्डी खेला तो का. अबे उल्लू का पट्टा जो है फंसेगा क्योंकि है गिरता जा रहा है. सामू से बचा तो रामू, अब का करी हो पलटवा. पंजा बन के आए छक्का बन के जा रहे हैं. वो ये कौन है, अमिताभ बच्चन पूरी जापानी फैन. चीखती हुई आई, दहाड़े सुनी और अरे बाप रे ये रेल की सीटी बन रही इनकी रेल की. अरे ये तो हमारा नाक कटा करेगी, मुंह काला करा करेगी. और लड़की ने नाक बचाई और तालाब में डुबकी लगाई. अगली बार मम्मी से पूछ के आना. हाँ भैया ये आए टोक्यो के फायर ब्रिगेड से, या रामू श्यामू के जुल्म की आग बुझाएंगे या अपना कचरा करवाएंगे. या आज हर अंदर आने वाले का सामना रंगीले से हो रहा है. बिटुआ ये अम्मा का गोद ना ही दीवार. क्या कर रहा है भाई, आए पकड़ा पकड़ी खेल रहा है क्या. घेरा तो जवान भागा लेकिन फंस गया जियो मेरे लाल. इस फायर फाइटर में दम है लेकिन अकल थोड़ी कम है.
आदमी पहले लटक गया, लटक गया। बीच में देखा आसमान से गिरा और खजूर में अटका, खजूर में दरवाजे में अटका। जामू खींचा, रामू ने खींचा, ये सब तो फायर फाइटर की इज्जत का सवाल है भाई। देखो यार मेरा दरवाजा मत तोड़ देना। जवान हॉर्न मारने की तैयार नहीं है, दो दो मुस्टंडे से अंदर नहीं खींच पा रहे हैं। हाँ बेटा चढ़ जा, चढ़ जा, सीधे चांद पर पहुंच जाएगा। तो ये दरवाजा क्या स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है? अभी लाते मार रहे, क्या क्या कर रहे हैं उसको दिखा रहे ढीट है यार। अरे तेरी, अरे बाप रे, ये भी दरवाजा भी बहुत ढीट, ये भी ढीट और रामू श्यामू भी ढीट। एक तरफ जल्लाद, एक तरफ कसाई, कहां पे जाएगा मेरे भाई? अरे तो पड़ी कस के लात और खत्म हो गई बात। जय जय कर आप चिक रिप्ले में देखिए, सीधे सीधे आते हैं सब, उल्टा होके जो जाएगा। आगे आप गाइए, मैं चलता हूँ स्किपिंग स्टोन। जनरल ने सीटी बजाई, देखे किसकी शामत आई। ओहो बाबा भूतनाथ, वो क्या स्किपिंग स्टोन के पत्थर से डर जाएंगे। ये क्या गोद ले लिया? पसनियों का मुरब्बा। ओहो डॉली ढिल्लो, भाड़े के कपड़े पहन के आई है सहेली की। तो स्ट्रेंड हो गया, टिंग 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 टिंग, सिटी बजी इनकी। ओहो लाल छड़ा मैदान खड़ा, अब तो पत्थर पे पड़ा। ओहो लालू, उसके बाद कालू, दे रहा था पत्थर को हुलकी और बन गया फुलकी। बज गई सीटी। ओहो पिंकी फुलवारन लाल पीली, तरह की तो धूम किया और बची। ओके लेफ्ट राइट करती हुई जा रही है, अच्छी। अरे बाप रे पत्थर डुबाया, खुद निकल गई पिंकी, क्या बात है। ये देखिए स्लो मोशन में टांगे, वजन कम करो मोटो पिंकी की तरह। ओह चवनदास चड्डी, देखते हैं टूटेगी इनकी हड्डी। अरे टूट गई, कहां की टूटी हो देखना पड़ेगा। ओहो क्योटो से आई हमें सीमा, और इनका बढ़िया कीमा है। जागो यार जागो। ओहो जज्बाती भगोड़ा, तेरी भगोड़ा अपना मुंह तोड़ा। ये देखिए हालात निरंजन, आप फोड़ फुरमा और दांत तोड़ मंजन। ओहो मैडम नारंगी, आइए आइए, वन टू एंड बच गई। ओहो वेरी गुड, उठिए आगे वन एंड डेढ़ सन। अभी क्या जापान ने भी रॉकेट छोड़ दिया क्या? अबे अबे मुझसे पूछा भी नहीं, बोलने भी नहीं दिया, पार हो गया। रामचिक रिप्ले देखते, ये देखिए इनके पति एक हफ्ते तक सुरक्षित रहेंगे इनकी लातों से। पार्ट टू में आप देखेंगे मशरूम ट्रिप के मुसाफिर घुसते अंदर, ब्रिज बॉल से कूदते बंदर और हाई रोलर्स पर पिस्ता चंदर। राइमिंग के लिए करना पड़ता है यार। बम 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 बम, स्वागतम, और सबके बैंड बजाने गार्ड्स को ले आए हम। लेट्स गो ऑन मशरूम ट्रिप। जनरल ने बुलाया और जापानी शेर चलाया। वेलकम नाहर जी। नाहर ने मशरूम पकड़ा और ट्रिप शुरू। वन टू थ्रू, चल मेरे गुरु। मशरूम में एक खांचा है जिसमें एक हाथ फंसाया जा सकता है, मगर दूसरे हाथ के लिए कोई पकड़ नहीं। हाथ छोड़े और नहर प्लेटफॉर्म और गेम से हो गया बाहर। सरिता मौसी, ओहो रस्सी के सहारे मशरूम को जकड़ा, चकरी चढ़ पड़ी, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। ओहो मिस्टर पेरिस, असलम भाई जो है चीन की चड्डी पहनते थे, ये पेरिस की चड्डी पहनते हैं और कोई फायदा नहीं पेरिस की चड्डी पहनने। चड्डी जो है सुकड़ के लंगोड़ बन जाए। एक और मैडम आई, ये झपकी और अरे बाप रे। कहीं तो भाई बिल्कुल गई,
जाओ तो पूरी तरह देखिए वजन कुछ ज्यादा था। एक और लेडी ये पजामा पहन के आइए। इनकी पकड़ कुछ अच्छी लग रही है, मशरूम के झटकों का कोई असर नहीं। वेरी गुड, ये लेडी जरूर खुद को रोक नहीं सकी। बैड लक बेबी, और उसको शनि लग गया। अरे पेटू, इतना बड़ा हंडा ऊपर से जेके धतूरा पार करेगा तालाब, एक हाथ टूटा दूसरा आए है, अगले राउंड से नाता टूटा। ये देखिए स्लो मोशन में देखिए कैसे फड़फड़ा के कूदा है मोटा हंडा। वो तो रेस्क्यू टीम का भी लग रहा भाई, किसको रेस्क्यू करेगा? अरे ते तो कहा रेस्क्यू करेगा, अपने आप को रेस्क्यू नहीं कर पाया। हाँ भैया, इसे कहते हैं पकड़ना, जैसे गब्बर को देख के बच्चा अपनी माँ को पकड़ता है। लेकिन इसे कहते हैं चकर हिन्नी फौज। ये देखिए डुबकी लगाओ गब्बर। मैडम सास से झगड़ा करके आई है लग रहा है, मुझे खुश लग रही है। अरे चिल्ला चिल्ला के और क्या मिलेगा, सास से झगड़ा करके आई थी, मई के चली जाती, यहाँ आने की क्या जरूरत है भाई। अरे निंजा मामू ठीक मांग रहा है क्या जापानी स्टाइल? और जे जगह रापची ग्रिल में देखिए मामू मुशंगड़ सिग्नल वाला भिखारी। मामू भागा मगर मशरूम ने दिमाग का घंटा बजा डाला, मामू हो गया झिंगा। कृपया स्ट्रेचर्स और एम्बुलेंस तैयार रखें, शुरू हो रहा है हाई रोलर्स। जनरल ने मारी सीटी, आया जवान और कर लिया टाटा टीटी। अरे किसी जादूगर की झोली में से निकल के आया है क्या? पैरों से घुटने पर आया, अरे पांडे ताल में रोता खाया। ओहो लाला शौकीन, पहलवान भी है और शौकीन भी। 1 2 छूए ऐसी पहलवानी पे संघर्ष शुरू होने से पहले ही पानी पी गया। ओहो भाभी अनुष्का कईयों का कर चुकी है पचका। रोलर पर कदम रखा और आ गई घुटनों पर। अरे मेंढकी की तरह चल रही है, चेनपुरी की मेंढपुरी की। अब तेरी की 1 2 3 4 3 2 1 1/2। चल भैया रिवर्स गिनती भी करा दी तेरे जरिए। ये कौन है बीरी? ओह माय गॉड, बीरी 9, बीरी 9 इज नॉट वेरी फाइन। नाउ प्लीज गो होम एंड डाइन। कभी कभी क्या क्या राइमिंग करता हूँ मैं। नहीं नहीं भाई, डंडे पे कपड़े नहीं लगते हैं, अंदर आदमी है। रूलर पर आया, आगे बढ़ गया। क्या बात है, अरे अरे साइकिल चली, घुटना फूटा, कमर टूटी और फिर डुबकी। बैड लक दोस्त, बेलन की चक्री चली और इनकी किस्मत चढ़ी बली। आज बेटा नंबर 3, कुछ भी दुआ मांग ले, बजेगी तेरी बीन। मैं बात मांगने का नहीं है, ये भाई ओजड़ी का सूप बन गया तेरा। चल भाई, ओहो जज्बाती झिंगुर देखते क्या करता है। अबे ले झिंगुर घुटनों पे आया, फड़फड़ाया और कुछ कर नहीं पाया। ये देखिए, ये है झिंगुरी टेक नंबर 3। ओहो आइए नीले नवाब, पांडे जी की ताल इंतजार कर रही है। नवाब साहब चले, बड़े मजे चले जा रहे हैं, जब लगाने लगे और ये जब कर गए अगले राउंड में। भाई धुलाई होने वाली अगले राउंड में जय ब्रिज बॉल। जनरल की इशारा और आ गया किस्मत का मारा। अरे इसकी किस्मत देख के मैं कह सकता हूँ किसकी बजेगी मारा। डगमग डगमग करता मार्क पर आया, गोल्डन बॉल पकड़ा और इसका बुरा वक्त शुरू होता है। अब फटके से ज्यादा डगमग पुल पर ध्यान,
जवान लड़का और अबे 12 का था, तू तो 11:30 पर ही निकल दिया और ये सब तो वैसे ही निकले हुए हैं। मैडम कृपलानी, अरे बाबा देखता है इसका क्या प्लान है, रेड ब्लू एंड द व्हाइट, अरे व्हाइट टांगों का रेड होने का पूरा संभावना है। अगर आप इसका ऐसा स्पीड में चलेगा तो मुझे तकिया चादर मंगवा के इधर सोना पड़ेगा स्टूडियो में। एंड गार्ड गोल्डन बार पकड़ लिया और गार्ड ने व्हाइट को रेड बनाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। अगर एक फटके में 2 स्क्वायर इंच टांग लाल होता है तो दोनों टांगों का लिए कितना फटकों का जरूरत पड़ेगा। आप नोटिस कर रहा होगा कि मैडम पर फटकों का कोई असर नहीं हो रहा है। गोल्डन बाल छूटा लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, दूसरा पकड़ लिया, पुकट में मिलता है बाबा, मुफ्त का माल हजम होता है। कॉन्सेंट्रेशन से देखो, मैडम चलता है, बीच में रुका, फटका वाला गोल्डन बाल मिस होता है, इफेक्ट भी आया लेकिन बाबा इधर लगा बाल, स्लो मोशन में दिखाया तो अभी हमको समझ में आया बाबा। सर मिस्टर नीलमणि वेणुगोपाल सिल्वराज अन्ना स्लोली स्लोली मार्क पर आया। ये देखना सर, बैलेंस देखना, गोल्डन बॉल पकड़ा, अभी आग जाता, डैड बम्बार्डमेंट करके अन्ना को रोकता, बट अन्ना ब्रेव, वेरी ब्रेव, फटका खाना पर ब्रिज पर जाना, बाहर जाना सर, ये हिंदी लिटिल विक सर, एक और फटका मारा एंड अन्ना नीचे आया। अयो ओ अप्पू राजा के भाई, गप्पू राजा क्या चाल है, उतरने वाले कसम का चाल है, सुन के ही निकल लिया पहलवान। क्या लिखा टी शर्ट में, केक हुआ, अरे चुब्बे केक हुआ, बस दबा देंगे तेरा टेटवा, ऐसे आ रहा जैसे मोमबत्ती कटी पतंग की तरह डोलती आ रही है। केचुआ आई केचुआ मार्क पर आया, गोल्डन बॉल पकड़ा और चल पड़ा रेलगाड़ी, चुप 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 रेलगाड़ी। शाही गार्ड बोले रुक 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 रुक, अरे मगर मोमबत्ती नहीं रुका, अबे पड़ा सर पे फटका और मोमबत्ता बॉल छोड़ के लटका, फटका बहुत कड़क लग रहा भाई, बैतुल खला जाने की इजाजत मांग रहे क्या, जोर लगा के, वो वाला जोर नहीं भाई, ताकत वाला जोर लगा के ऊपर आया, बची बुझी हिम्मत को जमा किया और चल पड़ा वापस अपने मार्ग की तरफ। हिलते डुलते केकुआ ने लिया टेकुआ और पहुंच गया मार्ग पे। बैलेंस कर दिया भाई, सेकंड गोल्डन बाल पकड़ा भाई और क्या कर रहे हजरत, झूला झूलने आए हैं क्या, पुल पार कर रहे भाई, क्या बात सुनिया लगता, गर्मा गर्म हो गया इन्हें, क्या कर रहे उन्हें, रेंग रहे ऐसे मेंढक की तरह लटक गए, देखो क्या कुछ बोया उन्होंने, 2 बार में लटका लेकिन 3rd बार में नक्को लटकना भाई, रेंग रेंग के आगे जाते, देखो भाई अपने बेटे को ऐसे नहीं संभाला होगा जैसे बाल को संभाल रहे भाई, क्या बात है, लेटे से बैठे बैठे से खड़े हुए, मारा लपका और जवान बाहर आ गया भाई, केकुआ बज गया तेरा टेटवा। और रापची की रिप्ले में देखिए कंट्रोल्ड एक्सेलरेशन, ये देखिए स्लोली उठा ऑन मार्क्स गेट सेट गो भाई। और अब एक नजर फ्लैशबैक पर, कोई भागा कोई फिसला, किसी ने पिया पानी, कोई बनी फ्लाइंग रानी, मॉरल ऑफ द फ्लैशबैक ये है कि काउंट तकेशी के यमदूत अनकाउंटेबल खिलाड़ियों को डकार गए बट सब नहीं, जो बच गए उनसे मिलिए शोडाउन में, जो या भैया जनरल की फौज में है 1 2 3 4 5 6 7 सिपाही चले, और विजेता तेजी से दौड़े और हो गए टैंक्स पर सवार, शाही गार्ड तो सदा तैयार है, देखिए
ही गे। अबे गे तो का दबा गया और जंग शुरू। कमांडर का टैंक तेजी से आगे आया और घूम गया। जनरल के जाबाज उसके पीछे दौड़े मगर वो गार्ड्स की ढाल के पीछे चला गया। वास्तव में ये खिलाड़ियों को फंसाने की एक चाल। गार्ड ने आगे आने वाले पर हमला कर दिया और इन खिलाड़ियों ने अपनी रिंग्स गार्ड्स को तोहफे में दे दी। हैप्पी बर्थडे टू यू। बदले में इनको मिलेगी फुटास की गोली। और ये कमांडर अगले शिकार की खोज में हमला हुआ और चौतरफा हमला हुआ और कई रिंग जिंदगी से हाथ धो बैठी। एक जाबाज कमांडर के पीछे लगा हुआ है जनरल को जीत की उम्मीद। यहाँ गार्ड ने एक और रिंग पर हमला किया और रिंग को छेद डाला। नहीं है, देखिए देखिए, हाँ देखा ना, छोटा छेद है लेकिन है। जनरल की उम्मीदों का दीपक ध्वस्त हो गया। एक और रिंग गार्ड्स के शिकंजे में फंसा और रिंग गवा बैठा। ये टैंक 235 का रिंग अभी तक बचा हुआ है और दुश्मन टैंक्स उसको घेराबंदी कर रहे हैं। जवान ने कमांडर पर हमला किया मगर वार खाली किया। कमांडर ने भी पलटवार किया। जवान जान बचाकर भागा मगर गांव के कसाई हाथ और पैर दोनों धोकर उसके पीछे पड़े हैं। खिलाड़ियों की कोशिश है कि कमांडर के रिंग को फोड़ा जाए मगर ये तो शेर के मुंह से निवाला छीनने वाली बात है। गार्ड और कमांडर 235 की जान के पीछे पड़े हुए हैं मगर जवान किसी न किसी तरह खुद को बचा भी रहा है और हमले भी कर रहा है। अब मुकाबला है रूबरू का। कमांडर और जवान दोनों गोल गोल घूमकर एक दूसरे के रिंग्स पर निशाना लगा रहे हैं। जनरल की उम्मीद उठती जा रही है। काफी देर तक अकेला लड़ने के बाद 235 का रिंग उठेगा या बचेगा? अरे यार जंग, लेकिन बहुत अच्छा लड़ रहा है जवान। अरे रे रे, गया भैया। जवान वीर गति को प्राप्त हो गया और ये अनार छूटने का वक्त। दिखाओ भाई फाड़े के आपके अनार। वाह वाह, अब देखिए जनरल क्या कहते हैं। हमेशा कुछ न कुछ कहता हूँ मैं, लेकिन आज कुछ नहीं कहूँगा। अरे भाई पगार नहीं दी 2 महीने की, क्यों कहूँ भाई? भाई ये बात पते की जनरल मेरी भी 2.5 महीने की पगार नहीं दी है, मैं क्यों बोला जा रहा हूँ? ये बेचे साइमन हैरिस और एडी मेरे तो आराम से बैठे हुए एडवांस में पेमेंट लेके। मुगुरुजा तो